गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कुमार वीरभद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग वीरभद्र रतन क्लास एंड आउटडोर्स। सो हमारा एक काम अधूरा रह गया था, वो था भीम का कंप्लीट रिव्यू। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अबाउट भीम, यू नो, एवरी इन डेप्थ रिव्यूज व्हाट वी, यस यू कैन गो, सो आप जा सकते हो। सो एज वी सी दैट, सो आज हम लोग वो काम को जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करेंगे, यानी वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट Gear B today. So the video is not going to be very long. It is going to be very short but precise. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि भीम की तीन जो USP हैं जो मेरे हिसाब से थी, वो थी उनका massive, सबसे पहला था कि उनका massive air tank, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद कंपनी के श्राउड, जो हमारी कंपनी के बैरल पे कंपनी फिटेड ही श्राउड आती है, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलेशन पे, बिकॉज पहले के जो ब्राउजर्स वगैरह थे इस भीम के, उसमें वो कहीं कहीं मेंशन किया गया था रेगुलेटेड। और जो गन मुझे मिली है, जो गन अभी और अभी करेंट के जो ब्राउजर प्रोडक्ट की मैं देखता हूँ उनकी वेबसाइट पे या कहीं भी, तो उसमें रेगुलेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सो जेन्युइनली they admit it that the regulator is not, you know, worthy to mention. So it is not regulated gun. तो हम लोग ये assume करेंगे, it is safe to assume the Bheem is non-regulated gun. दूसरी चीज़ है इसकी accuracy की बात। accuracy के videos मैंने पहले दिन accuracy के video ही बनाए थे, ताकि accuracy के video को समझना, क्योंकि gun if it is not accurate, उसके बारे में कुछ भी बात करना फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। गन के सारे चीज, जैसे वो क्या है ना कि वो जो कहते हैं हमें कि दुल्हन कैसी जो दुल्हे के मन को ही ना भाए। सो इफ शूटर इज नॉट प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड विद द एक्यूरेसी, देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग माय टाइम, योर टाइम, यूट्यूब टाइम, डाटा टाइम, एनी टाइम टू यू नो वेस्ट ऑन दैट प्रोडक्ट। सो एक्यूरेसी के बारे में मुझे ये कहना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले ट्राई किए इन बिटवीन, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या जितने भी ट्रायल्स मैं करता हूँ, इट इज नॉट फिजिबल टू शो यू गाइज एवरीथिंग ऑन द वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेएसबी के सारे रेंज, स्पेशली 10.34 एंड 13.43, उसके बाद जी स्मिथ के तीन जो है 10.35 जी स्मिथ के, उसके बाद जी स्मिथ के 13.1 ग्रेन या 13 ग्रेन के जम्बो इम्पैक्ट्स हैं, और हाइपर इम्पैक्ट जो कि 10 ग्रेन के हैं। उसके अलावा प्रेसीपेल के 8.7 जो राउंड हेड होते हैं, ये पैलेट्स, ये सारे पैलेट्स जो है उसमें एक्यूरेट चल रहे हैं, मतलब 0.50 यार्ड्स पे 0.6 इंचेस टू 0.8 इंचेस, मतलब इट इज ऑलवेज अंडर एन इंच, सो इट इज प्रीटी मच गुड। ओके, मैं मान के चलता हूँ कि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें कि उसके, या मेरे इक्विपमेंट जैसे कि शूटिंग रेस्ट वगैरह मारने पर वो 0.12 और 0.2 mm और mm कम ही होंगे शूटिंग साइड, बट 0.6 टू 0.8 इंचेस 50 यार्ड्स पे ग्रुप मिल रही है। सो द गन इज एक्यूरेट, नो डाउट अबाउट इट। और आप जब गियर की बैरल की आप राइफलिंग देखोगे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी द राइफलिंग इज वेरी मिरर पॉलिश्ड एंड इट इज वेरी गुड। ओके, ये चोक बैरल नहीं है, जो कि जैसे कि PX100 की बैरल है, थोड़े से जो है ये बैरल जो है भीम में, जो ये भीम जो है मेरा थोड़ा सा ओल्डर वर्जन के है, थोड़े से जो इसके भीम का बैरल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज का है, जबकि जो उनके नए जो मॉडल्स आते हैं, जैसे कि मेरे पास GM10XS भी है, उसकी बात किया जाए तो वो बैरल जो थे वो थोड़े बहुत जो थे, अब वो नैरोवर आ रहे हैं, ताकि वो हल्का उस पर आप देखेंगे कि GM10XS में स्लग भी ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन भीम में स्लग्स नहीं चलते हैं, सो यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर द पैलेट। उसके बाद कमिंग टू द गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी विल टॉक अबाउट द टैंक रिजर्वर। द भीम हैज अ मैसिव एयर टैंक रिजर्वर, ओके, उसकी कैपेसिटी 500 प्लस सीसीज है, 530 और 520 सीसीज अप्रॉक्स है, कुछ लोग 580 सीसी भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज मोर देन 500 सीसी, दैट इज आई एम प्रीटी मच कंसिस्टेंट। So what happens with that kind of air reservoir is that you get massive shot count. अगर हम लोग 14 फुट पाउंड पे गन चला रहे हो, जैसे कि अगर आप समझ लो कि 10.34 के ग्रेन अगर पैलेट है और हम लोग उसको 800 के आसपास चला रहे हैं, ठीक है, 800 APS के आसपास चला रहे हैं, तो आपको कम से कम
कम से कम 150 शॉट इन हैंड मिलते हैं. सो 150 शॉट इन वन फिल्ड काउंट इज एनफ टू यू नो इंटरटेन यू फॉर होल योर शूटिंग सेशन. आप एक बार बैठते हो और आप शूटिंग करते हो तो आपको ये वरी, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट यू नो द प्रेशर गेज फॉलिंग एंड यू नो द एयर गोइंग, एयर प्रेशर गोइंग डाउन एंड यू आर यू नो थिंकिंग अबाउट द रिफिलिंग द गन अगेन. ये ऐसा नहीं है. भीम लीजिए, बेंच पे बैठिए एंड स्टार्ट शूटिंग. कंप्लीट सेशन जो है आपका मैसिव 40 जूस के, सॉरी 20 जूस के रेंज में ये 150 प्लस शॉट देती है, नो डाउट अबाउट इट. आई हैव सीन इट. अब इसके भी हैमर एडजस्टमेंट के पीछे स्क्रूज दे रखे हैं, तो अगर आप इसको ज्यादा चलाइएगा तो शॉट पर शॉट काउंट्स कम होंगे, कम पे रखिएगा तो शॉट काउंट्स हाई होंगे. ये आपके ऊपर चीज है, जिस तरह से मोटरसाइकिल को जैसा आप हैंडल करोगे वैसे वो आपको फ्यूल इकोनॉमी देगी. दूसरी चीज है इसकी साउंड सप्रेशन के बारे में. तो साउंड सप्रेशन के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और वो वीडियो में इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख सके. आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द श्राउड बिकॉज विदाउट श्राउड जब मैं शूट कर रहा था तो 115 डीबी तक जा रहे थे और जब विद श्राउड मैं यूज कर रहा था तो श्राउड जो थे वो 85-90 डीबी तक था, जो कि बहुत अच्छा है. आप अगर यहां चलाएंगे तो आपके बगल वाले लोग परेशान नहीं होंगे. सो एयर ब्लास्ट भी रुक रहा था और श्राउड के साथ एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर रही थी. तो ये है. तो रेगुलेटर नॉट वर्किंग और इट इज अनरेगुलेटेड गन. लोग पूछते हैं कि सर रेगुलेटेड गन है क्या, डायना आउटलॉ के साथ है. डायना आउटलॉ इज अ रेगुलेटेड गन बट भीम इजंट. दूसरा चीज है कि मैसिव एयर अटैक, बिग थम्स अप टू द एयर रिजर्वर. इसके एक कॉन्स हो सकते हैं कि इट इज हार्ड टू फील विद द पंप, बट यू नो दिस इज द परफेक्ट बेंच गेम, बेंच गन. ओके, आप रेंज पे बैठे हो, आप रेस्ट पे इसको रख दिए और आप अपना पूरा सेशन एंजॉय कर रहे हो. द गन इज बेसिकली डिजाइन फॉर दैट ओनली. ओके, दिस इज अ वेरी हैवी गन. मैंने उसमें यूटीजी का स्कोप लगाया है, स्कोप और माउंट वगैरह के साथ. उसके वेट जो है टोटल वो है 5.2 kgs. सो यू कैन कैरी इट इफ यू हैव दैट मच पावर, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल. ओके, सो उस वेट के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आप शूटिंग करते हो ना तो जो एयर ब्लास्ट का जो मजर होता है, एयर ब्लास्ट जो मजर पे से निकलने के समय पैलेट को मिलता है, कई बार गन हल्की गन जो होती है वो फ्लिप करती है, तो उससे एक वैसे सफर करती है. लेकिन ये बीइंग टोटली एलिफेंटिक गन, यू नो इट डजंट मूव एनी बिट. सो इट पूरा एकदम प्लांटेड रहती है, चाहे आप कितने भी शॉट्स चला लो और किसी भी पावर लेवल से चला लो, इट डजंट मूव एट ऑल. तो ये है. तो पंप के लिए यू कैन फिल इट अप टू 200 बार विद पंप, बट जनरली व्हाट विल हैपन, इट विल टेक 3 टाइम मोर पंप स्ट्रोक देन अ GM10 XS और PX100. तो एक्यूरेसी इज गुड, शॉट काउंट इज मैसिव, वेट इज यू नो इट इज you know it is not advisable to you know take this gun and walk in the field and outdoors activities. It is really very heavy for that purpose, but for the bench rest shooting it is perfect. Aur kya cheez miss kar rahe hain, aur hum log miss kar rahe hain iske trigger ke bare mein. So trigger jo hai wo sare GM10 basis mein, sare jo bhi ye bhi GM10 ka hi platform hai actually, jo inka block wagera cheeze hain. तो सारी चीजें इनके सेम ही है. फर्स्ट स्टेज जो है इज प्रीटी मच आइडेंटिकल एंड सेकेंड में थोड़ा सा पुल लगता है विच कैन बी एडजस्टेड, बट इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डू बाय योरसेल्फ बिकॉज यू कैन नॉट डू इट. ओके, दूसरा चीज है बीम को जब मैंने देखा तो उसमें कुछ कुछ मुझे क्लियरेंसेस के इश्यूज मिलते हैं, इनफैक्ट गियर के हर घर में. जैसे कि भीम के बेली में ही उनका फिल प्रोब है, बट वेन यू आप जब उसमें डालोगे अपना फील प्रोब का एडाप्टर, जो फीमेल एडाप्टर होता है पंप या कंप्रेसर या किसी चीज का, तो यू विल नॉट गेट इनफ स्पेस टू रिमूव इट आफ्टर फिलिंग इट. ओके, इट गोज वेरी इजली बट देयर इज नॉट इनफ क्लियरेंस टू पुल इट आउट. सो आपको थोड़ा सा अपने से काम करना पड़ता है. एंड पीपल पीपल फ्रॉम गेयर वॉचिंग दिस, दे शुड यू नो दे शुड प्रीटी मच टेक केयर ऑफ दिस सच क्लियरेंस इश्यूज.
कि हर चीज जो है प्रॉपर एक्सेसिबल हो। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, ये गन किसको चाहिए लेना इस पे अगर चर्चा करें, तो अगर गन अगर आपको मैसिव शॉर्ट राउंड चाहिए डेफिनेटली यू शुड गो। आपको एक ऐसा गन चाहिए जो आपका पूरा सेशन अगर एक फीलिंग में निकाल दे, ऑब्वियसली यू शुड गो। इसकी साइड लीवर जो कॉकिंग है, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट, इट इज वेरी मच रिफाइंड, वेरी इजी टू कॉक। इसकी जो साइड लीवर कॉकिंग है वो बिल्कुल अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि आई वॉज लिटरली वेरी सरप्राइज टू सी द ऑपरेशनल स्मूथनेस ऑफ द साइड लीवर। सो ये है भीम के बारे में, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं भीम के बारे में, अभी उनका जो करंट प्राइस है वो 35,000 रुपीज है, इनिशियली इट वॉज 45,000 रुपीज। तो 35,000 रुपीज में आपको मिलती है GM10 XS, XL और XSM से ज्यादा बढ़िया आपको एयर शॉर्ट काउंट, इससे ज्यादा बढ़िया आपको मिलती है एक्स्ट्रा 5,000 में आपको कंपनी फिटेड श्राउड। द गन इज हैवी इफ यू कैन मैनेज इट, आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ इट, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर द गाई हु यूजली शूट फ्रॉम अ रिस्ट पोजिशन मोस्टली, देन दिस गन कैन गिव यू अ प्लेजर, यू नो। अब मैं इस गन को लेके अगर बैठता हूँ, मुझे फील प्रेशर की कोई टेंशन नहीं होती, और काफी लंबा और चूंकि एयर रिजर्वर बड़ा है, तो अनरेगुलेटेड होने के बावजूद भी ना फ्लैटर कर मिलता है मुझे 50-60 मैगजीन, मैंने 50-60 शॉर्ट्स तक 5-7-6-7 मैगजीन फुल जो है ना फ्लैटर कर मिलता है, जैसे कि 800 से लेके और जो 60वां शॉर्ट होता है वो 775 या 770-765 तक ही रहता है। तो जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो चीजें बिल्कुल भी, पॉइंट ऑफ एम है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें जो है इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। सो ये चीजें थी, मेरा जो मानना है इस भीम के बारे में। बाकी अगर भीम के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, सारी चीजों की मैं रिप्लाई करता ही करता हूँ। और दूसरी चीज है कि अगर आपको और भी कुछ चीजें, अभी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो डालूंगा जो कि सबसे मोस्टली फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने लिख के रखी है और उन सारी चीजों को मैं अभी निपटाऊंगा। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अच्छे से सेफली शूट करिए, अपने शूटिंग बैकग्राउंड का ध्यान रखिए, ताकि आप जो टारगेट के बैकग्राउंड में क्या है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं बहुत सारे नहीं कुछ वीडियोस में ऐसे देखता हूँ जैसे कि अच्छे अच्छे लोग हैं एंड दे जस्ट डोंट गिव यू नो अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ अबाउट द सेफ्टी। सो दिस इज वेरी यू नो इज वेरी पेनफुल फॉर मी टू वॉच, ये मुझे देखना मुझे बहुत बुरा लगता है। सो अभी हम लोग अभी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग वो एक वीडियो में अलग बनाऊंगा। और तब तक के लिए इस वीडियो के लिए ये इट इज एवरीथिंग अबाउट भीम, आप अभी वीडियो में मैं भी डालूंगा साउंड कंपैरिजन विद और विदाउट फ्रॉड, आप लोग देखिए और आप क्या सोचते हैं इस भीम के बारे में वो भी बताइए, क्या क्या सजेशन आपको चाहिए, चूंकि ऑब्वियसली वेन आई पब्लिश दिस वीडियो द मैन्युफैक्चरर ऑफ भीम इज ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट, सो आपके जो भी सजेशन है यू कैन पुट देयर। सो अभी क्या है कि अभी अपने पास देखिए, जब हम लोगों ने शुरू किया था PCP का, यहाँ पे मैं बंद करने से पहले एक छोटा सा नोट डालना चाहूंगा, 2011-12 की बात है, उस समय बहुत लिमिटेड PCPs जो इंडिया में आते थे, जैसे उसमें बहुत फेवरेट हुआ करता था मराउडर, डॉक्टर शीशम थे ISP में थे उस समय उनके PCPs और सिंगल पंप मिनीमेटिक्स पे वो कुछ कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, इधर से आदित्य इनोवेशन जो है आर्या बना के ला रहे थे वो सिंगल फ्रेम यू नो कॉन्डो इंस्पायर्ड जो प्लेटफॉर्म था, मेरे पास आर्या इनफैक्ट है उस समय की, अभी तक बढ़िया चलती है, मस्त गन है, ईजी स्टडी एंड वेरी पावरफुल। सो उस समय बड़ा मुश्किल था ना, हम लोगों ने मराउडर जो है 90,000 की ली थी 177 में, ठीक है, वो सारे फंक्शन अब इंडिया में 30-35,000 की अपनी इंडियन मेड गन हमें देती है। तो नाउ द टाइम इज वेरी गुड, सो वॉट वी कैन डू, वी कैन सपोर्ट आवर इंडियन मैन्युफैक्चरर लाइक प्रेसी रोड है, गेयर है, SDV है, आर एम आर है, या AK वाले हैं, या कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं आप जिनको पसंद करते हैं, उनसे अपने रिक्वायरमेंट को डिस्कस करिए और उनसे उस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप उनको
मोटिवेट करिए, इंस्पायर्ड करिए। जैसे कि एसडीपी वाले लोग जो है, दे आर वेरी क्लोज टू अस, हमारा एक ग्रुप है उससे बहुत क्लोज है, सो हम लोग इनपुट देते हैं। देखिए अगर आप एसडीपी के एवोल्यूशन को देखिएगा, तो स्टार्टेड फ्रॉम अपाचे के सबसे पहले उसमें इंप्रूवमेंट हुए थे कि उन्होंने हम लोग के कहने पे या सजेशन पे या हम लोग के रिक्वेस्ट पे उन्होंने पिस्टन सील जो है सिंथेटिक यूज करना चालू किया, फिर अपाचे, उसके बाद आर्टिमिस, उसके बाद सीधे जंप करके मैग्नम, उसके बाद जेना, उसके बाद जेनेक्स प्रो। सो यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट, और ये सारे इम्प्रूवमेंट एसडीपी वाले तभी कर पाए, वो हमारे मित्र हैं। इनफैक्ट सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो सारे हमारे फ्रेंड हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है, और जितना सलाह मेरे छोटे मेरे मन बुद्धि में आती है मैं उन्हें बताता भी हूँ। सो आप देखेंगे तो एक एक इम्प्रूवमेंट, आज जो जेना है या जेनेक्स प्रो है, जिन लोगों ने भी लिया है वो आपके किसी भी डायना, किसी भी वेयरहॉक के जो 40,000-50,000-60,000 की एयर राइफल बिकती है उसे किसी भी मामले में कम नहीं है, माइनस एट द 1/3 or 1/4 ऑफ द प्राइस। सो बेकार के बहस करने से बढ़िया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर आपको पसंद आता है आप उनसे बात करिए कि आपको किस टाइप की चीजें पसंद होती हैं, उनको बोलिए कि आप मार्केट में सर्वे करें और उस सर्वे के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट आए, ताकि हमारा पैसा देश का हमारे देश में रहे, ये अच्छी चीज है, ठीक है। सो ये था भीम के बारे में। अगर आपको लगता है कि भीम में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, मैं चाह रहा था कि भीम के जो स्टॉक है ना वो या तो फोल्डेबल स्टॉक हो या कुछ उसमें फाइबर वगैरह हो, ताकि कुछ तो वेट उसका मैनेज हो सके, ठीक है। ये मेरा सिंगल उनसे है, और आई ऑल्सो इंकरेज देम टू यू नो कम विथ एनी रेगुलेटेड वर्जन ऑफ देयर GM10 प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि रेगुलेटेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि जितने भी आपके फील प्रेशर होता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। मतलब अगर अनरेगुलेटेड पे अगर सेम पावर पे अगर आपने यूज किया तो थोड़ा सा उसमें हर में वेस्ट भी होते, वेस्टेज होते हैं एयर के, लेकिन रेगुलेटेड घर में एयर वेस्टेज नहीं होते। तो सेम सेटिंग सब कुछ रहेगा, लेकिन जो आपको अनरेगुलेटेड में 30 शॉट्स मिलते हैं फील प्रेशर पे, वो आपको रेगुलेटेड पे 45 या 50 शॉट्स मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक डू शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है जो बकैती मैं करता हूँ तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो मैं कर रहा हूँ इसमें भी मेरा मन लगते रहे। तब तक के लिए आपका वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय। सो अभी बिना श्राउड के 10 फीट अवे हम लोग एक दो शॉट्स लेंगे, और मैं क्लोजअप में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं साउंड। नाउ टू शॉट्स विद द श्राउड, इट इज प्रीटी सिंपल। Just align it and you just now you'll see there is a significant decrease in the sound. How much? You'll see in the further video of that. So this is about the sound suppression. I will show you guys. You guys can see that the shroud of this gun is pretty much working and operational, and it works. Okay. So this thing is done. Just wait a minute. Pause.